हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन एंट्रेंस चैनल है, जहां इंडिया के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। तो मैं हूं हर्षिता गौतम, आप सबकी जनरल साइंस की मेंटोर, और आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए जनरल साइंस की 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, इन 20 क्वेश्चंस के अलावा भी मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी भी मैं आप सबको दूंगी, जिससे कि उसको 20 क्वेश्चंस के अलावा आपकी बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चंस भी उसमें कवर हो जाएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें, समझते जाएं और साथ साथ नोट भी करते जाएं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 418 जूल्स इज इक्वल टू, मतलब 418 जूल बराबर है क्या? हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, जूल को कैलोरी में चेंज करना है, मतलब जूल को कैलोरी में चेंज करना है। तो पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ एक मैंने छोटा सा नोट प्रिपेयर किया है, जो कि आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगा। तो क्या है कि जूल और कैलोरी बोथ आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मतलब जूल और कैलोरी दोनों ही ऊर्जा की इकाई है, जहाँ की एक जूल बराबर 0.239 कैलोरीज होता है। हम लोग को निकालना क्या है कि 418 जूल बराबर कितना होगा। तो 418 जूल बराबर क्या होगा हम लोग का, देखिए, अगर एक जूल बराबर 0.239 है, तो जाहिर सी बात है कि 418 जूल निकालने के लिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा। होता है ना कि एक रुपये बराबर अगर 100 पैसे हैं, तो हम लोग को अगर 2 रुपया निकालना है तो क्या करते हैं, 2 × 100। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0.239 × 418। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या आता है मल्टीप्लाई करने पे, 99.902। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स करके लगभग 100 कैलोरी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 degrees विद द सरफेस ऑफ द मिरर। तो इंसिडेंट एंगल विल बी, मतलब क्या कहते हैं हम लोग को इंसिडेंट एंगल निकालना, क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण है जिस पर कि आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो गिर रही है, और वो इंसिडेंट रे आपतित किरण जो है वो दर्पण की सतह के साथ 30 degrees का कोण बनाती है। तो आपतन कोण जो है वो कितना होगा, हम लोग को आपतन कोण का मान निकालना है, ठीक है? तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन को पहले वो समझते, ठीक है? कह रहा है कि एक ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, जिस पे कि इंसिडेंट रे जो है वो गिर रहा है, वो एंगल इसके साथ जो है वो 30 degrees का एंगल बनाता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये वाला एंगल, मतलब आपतित कोण क्या है वो निकालना है। तो ये पता है ना कि नॉर्मल जो होता है ये नॉर्मल है, ठीक है? ये नॉर्मल रे है ये वाला, यानी हम लोग समझेंगे, ठीक है? पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन का नियम। तो परावर्तन या रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है वो लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो सभी एक ही तल में होते, मतलब सेम प्लेन। मतलब क्या होता है कि ये अगर मिरर है, ये अगर नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो है वो सेम पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अगर ये आई है, ये आर है, ये आई है, ये आर है, तो आई बराबर आर होता है, ये है सेकेंड लॉ, ठीक है?
चल देखते हैं इस फिगर में हम लोग क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्या कह रहा था कि ये अगर ये मिरर का है उसके बाद इंसिडेंट रे जो है उस पर गिर रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है ना कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है नॉर्मल, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 क्या, मतलब अगर ये 90 है तो ये 30 और ये आई ये दोनों मिल करके 90 बना रहा है, जिसका मतलब 90 बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 प्लस आई, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, आई, ये देखिए जैसे कि ये है 90 बराबर आई प्लस 30 है, तो हम लोग को आई निकालना, ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा तो सीधा है 90 माइनस 30, मतलब आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि हम लोग का ये वाला जो एंगल था, ये वाला, ये जो एंगल एंगल आई है वो क्या हो गया, 60 डिग्री, तो आंसर हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम, मतलब प्रकाश का वेग अधिकतम होगा किस माध्यम में। क्वेश्चन क्या क्या है, डायमंड, ग्लास, वाटर, वैक्यूम, हीरा में, पानी में, कांच में या निर्वात में, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए वेलोसिटी कहता क्या है कि लाइट मूव्स स्लोअर थ्रू डेंसर मीडियम देन रेयरर मीडियम बिकॉज मोर पार्टिकल्स कम इन दिस इट्स वे, मतलब प्रकाश की चाल सघन माध्यम में विरल माध्यम के मुकाबले धीमी हो जाती क्योंकि प्रकाश के राह में अधिक कण आ जाते हैं। तो जैसे कि होता है ना कि रोड पर अगर बहुत सारी गाड़ियां रहेगी तो हमारी स्पीड स्लो होगी, जेन्युइन बात है, होगी ना, अगर रोड खाली है तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग सकते हैं। तो जैसे कि अगर मटेरियल में हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे रहेगा वो एकदम पूरा कॉम्पैक्ट तो लाइट को आने में ऐसे दिक्कत होगा ना, यदि अगर ऐसे थोड़ा दूर दूर रहेगा तो लाइट एकदम आराम से पार हो सकता है, तो वही होता है। तो इसमें मतलब कि डेंसर, ये जो है वो डेंसर है, मतलब ये डेंसर है, ये रेयरर है, मतलब जो दूर दूर होता है वो रेयरर मीडियम होता है, जो कॉम्पैक्ट पूरा टाइट टाइट है वो रेयरर मीडियम। तो क्या होता है कि जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस में देखें तो गैस में लाइट की स्पीड गैस में सबसे अधिक होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। तो जैसे कि क्वेश्चंस में ये सब दिया हुआ है, डायमंड, ग्लास, वाटर, वैक्यूम, तो डायमंड जो है वो सॉलिड है, ग्लास भी एक तरह सॉलिड ही है लेकिन उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है डायमंड से, तो ग्लास में डायमंड से कम। देखिए क्वेश्चन मैं बोली ना कि सब कुछ पे ध्यान देना है, वैक्यूम यहाँ आंसर तो हो गया वैक्यूम, तो आपको सिर्फ ये रटना नहीं है वैक्यूम में सबसे कम स्पीड होती है, लेकिन समझना है कि डायमंड ऐसे भी हो सकता है कि अरेंज करने बोल दे, उसके बाद बोलेगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि 1 2 3 में इसको अरेंज कीजिए, तो डायमंड जो है वो सबसे कम स्पीड होगा उसमें, उसके बाद ग्लास में, फिर वाटर, फिर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वैक्यूम में तो कुछ होता नहीं, उसमें तो गैस भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या आंसर हमारा, वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, टेरिडोफाइटा के पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पहले इसके जानने के लिए हम लोग को देखना होगा कि टेरिडोफाइटा होता क्या है। तो ये देखिए ये है टेरिडोफाइटा, ये जो हम लोग को इमेज दिख रहा है ना ये है टेरिडोफाइटा, ये एक प्लांट है, वैस्कुलर प्लांट है, जो कि जिसमें कि ना तो फ्लावर होता है ना ही सीड्स होता है, ठीक है, मतलब कि ये पंख जैसा पौधा होता है जिसमें कि ना फूल होता है ना ही बीज होता है। इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो प्लांट का वो फ्लावर फूल होता है, तो अगर फूल ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा कैसे। तो जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, तो इसीलिए टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैमस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रिप्टोगैमस, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखना है, सब नोट करते जाइए आप लोग सब, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है, तो फ्लावर्स नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स
नहीं होता है, सी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, मतलब एक टू प्लेन मिरर्स एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें निकालना है ना, कितना होगा। मतलब कि अगर दो समतल दर्पण के बीच अगर लंबवत 90 डिग्री पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, दर्पण अगर 90 डिग्री पे है, तो कुल प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो उसमें मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक मिरर ऐसे है, एक मिरर मतलब इसके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो जो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कितना इमेज बनेगा, मतलब कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो उसको निकालने का तरीका है, देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है कि अगर जो दर्पण के बीच में, मतलब अगर एंगल जो मिरर्स के बीच में एंगल है वो इवन, मतलब सम कोण है, इवन है, जैसे कि 90 डिग्री एक इवन नंबर है, इवन एंगल है, 45 डिग्री का है तो वो एक ऑड नंबर है, तो अगर इवन होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में इसका 360 डिग्री बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, और अगर ऑड होता, फॉर ऑड क्या होगा, ये सिर्फ हो जाएगा 360 बाय एक्स 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये 360 डिग्री बाय एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ एक्स क्या इवन है 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। जब इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स 4 माइनस 1 मतलब 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिख रहा है, फ़ोटो के ज़रिए आपको दिखाया गया है कि एक ये ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका 3 इमेज बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल अमॉन्ग्स द फॉलोइंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स, मतलब ये न्यूक्लियर पार्टिकल जो नाभिकीय कण है, नाभिकीय कणों में सबसे हल्का क्या होता है। इसके लिए पहले हम लोग को सबका मास ही सबका वजन जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, देखिए ये अगर एक होता है कि ये एटम है, तो यहाँ पे जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, जो कि ठीक है न्यूट्रॉन होता है, इधर इसके पास इधर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये तो एटॉमिक थ्योरी है। तो इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो लगभग सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास उससे बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखें नंबर पे मत जाइएगा आप लोग के 1 पॉइंट है और ये 9 पॉइंट, तो आगे भी तो देखिए कि है क्या ये, देखिए यहाँ पे ये पावर को भी देखना ज़रूरी है, ये -27 है, ये -31 है, तो जितना पावर माइनस में अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम, मतलब बहुत हल्का होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, सबको ये याद रखिएगा। और अगर ड्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, 3.343 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन का मास इतना, अब ड्यूट्रॉन अगर ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है कि तब ड्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, 3 गुना हो गया, किससे, प्रोटॉन से ज़्यादा। तो इससे हमारा लास्टली कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर है, और ड्यूट्रॉन का वेट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे हल्का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सी द रियर व्यू विच मिरर इज़ यूज्ड इन द व्हीकल, मतलब कि वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो अपने गाड़ियों में लिखा हुआ भी देखा होगा कि द मिरर यूज्ड इन द व्हीकल इज कॉन्वेक्स मिरर टू प्रोवाइड अ अपराइट एंड वाइडर व्यू। तो होता क्या है कि कन्वेक्स मिरर, जो कि कन्वेक्स ये ऐसे ऐसे ये जो मिरर होता है कन्वेक्स,
ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर जो होता है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वो कुछ भी हम लोग ऐसे देखते हैं ना पीछे का, तो ये हम लोग को एक बड़ा रेंज देता है, मतलब दूर तक देखने, और जो इमेज भी इसका बनता है वो हम, इसमें क्या होता है इमेज, वो सीधा बनता है। इमेज जो है वो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर पीछे से गाड़ी आ रही है वो हम लोग को उल्टा दिखेगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे ना, तो उसका सीधा होना, दूर तक दिखना ज़रूरी, इसलिए उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इस पर भी नोट वही है कि जो मैंने बताया कि अपराइट इमेज मतलब सीधी छवि, और व्यापक क्षेत्र मतलब वाइडर फील्ड व्यू देने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो आंसर तो इसका रदरफोर्ड है, ये तो याद करने की है, लेकिन इसके आगे की कुछ थोड़ी सी वो सब भी हम एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लेनी चाहिए कि एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911, मतलब 1911 में परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, ठीक है। रदरफोर्ड का तो समझ गए, अब जे जे थॉम्सन भी जान लेते हैं। तो जे जे थॉम्सन ने किस चीज़ की खोज की, इलेक्ट्रॉन की। डाल्टन ने किस चीज़ की खोज की, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत की। एडिशन ने किस चीज़ की खोज की, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब मतलब ताप्तिक लैम्प, फोनोग्राफ मतलब ग्रामोफोन, और मोशन पिक्चर कैमरा मतलब चलचित्र कैमरा की खोज की थी, ठीक है, ये सब भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 इन एयर इज, N2 का कितना आयतन है, ठीक है। तो ये तो नाइट्रोजन का 78% जैसे कंपोजिशन ऑफ गैस ये देखे एटमॉस्फेयर में, ये जो है वो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। तो और ये बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी सारे गैस आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 78%, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान में रखना, ऑक्सीजन 21% होता है, ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ही पूछे, इसीलिए सारी जानकारी लेनी है, पूरा एकदम उसको हर क्वेश्चन को चीड़ फाड़ करके पूरी जानकारी एकदम रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का ओर है मतलब कि एल्यूमिनियम का अयस्क, ओर क्या है, अयस्क क्या होता है एल्यूमिनियम का, क्या है ओर क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। ओर जो होता है वो एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, मतलब कि अपने स्वाभाविक रूप से होने वाला एक सॉलिड मटेरियल, जिसमें कि मेटल वैल्यूबल मिनरल जो है वो प्रॉफिटेबली, ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो मतलब हम लोग उसको लाभपूर्वक निकाल सकें। अब ऐसा नहीं है कि ओर से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेटल निकालने में, तो हम लोग उसको क्यों निकालेंगे, इसीलिए वो उसमें प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग जितने क्वेश्चन में जो जो भी दिए हैं वो हम लोग सब जान लेते हैं। तो आयरन क्या होता है, आयरन किसका है, हेमेटाइट से उस वो निकलता है। तो हेमेटाइट किसका और हो गया, आयरन का। बॉक्साइट किसका और हो गया, एल्यूमिनियम का। कैलामाइन किसका और हो गया, जिंक का। अर्जेंटाइन किसका हो गया, सिल्वर का और हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एग्जाम्पल फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है वो जानना है, क्या क्वेश्चन 11 क्या, एग्जाम्पल फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कि अधातु ऑक्साइड क्या है। तो अधातु ऑक्साइड क्या है, जिंक इसमें से ऑप्शन दिया, पहले समझते हैं कि होता क्या अधातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड। देखिए तो क्या है, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटैलिक ऑक्साइड बनाता है, और जब नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटैलिक ऑक्साइड। मतलब अगर हम कहें मेटल क्या है, जैसे सोडियम,
सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो वो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, और अगर हम कार्बन कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा गया है, मेटेलिक, जैसे एग्जांपल देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक, कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये CO होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो हमारा आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एसिड विदाउट एनी ऑक्सीजन इज, मतलब ऐसा एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, वह अम्ल, एसिड मतलब अम्ल जिसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये हम लोग किससे समझ सकते हैं, उसका फॉर्मूला, उसके लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये तीनों में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl इसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारा ऐसा एसिड है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हमारा आंसर सीधा बात हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एलोट्रोप्स, मतलब अपररूप का, तो उसके लिए हम लोग को जानना होगा कि है क्या एलोट्रोप्स, कि सीधा सीधे अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने यहाँ नहीं आए, क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप आंसर देख लीजिए, समझना है हम लोगों को जड़ से कि है क्या चीज़, तो देखिए कि क्या है एलोट्रोप, क्या होता है, क्या कहने का कि व्हेन द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब सेम एलिमेंट बहुत तरीके से अगर अलग अलग रूपों में, जब एक ही तत्व कई रूप में मिलते हैं तो उस गुण को अपरूपता, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। ठीक है, तो देखिए जैसे कार्बन का एग्जांपल है, तो कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स हो सकता है, उस कार्बन का अपररूप जो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि हम लोग 3-4 उसका कार्बन का रूप होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, लॉन्सडेलिट एंड फुलेरिन, मतलब ग्रेफाइट, हीरा, लॉन्सडेलिट और फुलेरिन। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ क्या था, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ग्रेफाइट और फुलेरिन हम लोग को मिल रहा है हमारे ये से, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 18 ग्राम ऑफ कार्बन, 18 ग्राम ऑफ कार्बन वाज कम्प्लीटली बर्नड इन ऑक्सीजन, हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म, मतलब 18 ग्राम कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो CO2 की मात्रा क्या होगी, तो क्या होगी, देखिए ये पहले हम लोग इसका रिएक्शन क्या बोल रहा है कि सी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है, मतलब ये होगा रिएक्शन, C+O2 गिव CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ये जो है ना वो एक कम्बशन रिएक्शन, मतलब दहन प्रतिक्रिया है। अब कम्बशन रिएक्शन क्या होता है, तो कम्बशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि फ्यूल, कोई भी जो जलनशील जो वस्तु है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में गुजरता है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हीट या एनर्जी रिलीज करता है, मतलब ऐसा प्रतिक्रिया है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकरण एजेंट के बीच ऊर्जा पैदा करता है, ये जनरली जो हीट होता है वो हीट के फॉर्म में मतलब ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखें, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये तो रिएक्शन है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि कह रहा है क्या, एक 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मोल कार्बन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलता है, तो
देखिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन ये है ना, कि तो 1 मोल मतलब कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 12 ग्राम। अब ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। 16 तो यहाँ पे क्या है O2, तो O2 के लिए 16 × 2 मतलब 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मतलब C का हो गया 12 प्लस 16 × 2, तो ये क्या हो गया हमारा 44 ग्राम। ठीक है, तो जब ये 44 ग्राम हो गया तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन जो है वो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर सकता है तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो जाहिर है 1/12 × 44। ठीक है, तो ये आया हमारा इतना। तो जब 1 ग्राम कार्बन अगर इतना 3.67 ग्राम CO2 कर सकता है तो 18 ग्राम कार्बन कितना करेगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 66 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो CO2 की मात्रा बनी वो क्या है आंसर हमारा, 66 ग्राम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा समझ गए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, पहले राइबोसोम को जानना ज़रूरी है कि होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये एक सेल है जिसमें कि ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट में होता है, राइबोसोम ये जैसे ब्लू दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। ये इसको न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और सेल को जो ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स। ठीक है, दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें ये राइबोसोम जो है वो काम करता है, हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन की संश्लेषण। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिश ऑयल, फिश ऑयल मछली का तेल, फिश ऑयल इज रिच इन क्या, क्या है, कौन से विटामिन अधिक होती कि क्या है। तो देखिए फिश ऑयल के बारे में अगर हम देखें कि क्या है फिश ऑयल, तो फिश ऑयल एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन है जिसमें कि मतलब उसमें हाई बहुत सारी तरह की प्रोटीन होती है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होती है, जो क्या विटामिन डी, सेलेनियम, विटामिन B5, विटामिन B6 ये सब उसमें पाया जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, B1, B12, विटामिन सी ये सब तो पाया नहीं जाता है, तो बचा क्या, विटामिन डी पाया जाता है फिश ऑयल में। ठीक है, मछली के तेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, जैसे देखिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अब बाकी जो है वो कब मनाया जाता है वो भी देख लेना ज़रूरी है, वो भी पूछ सकता है। तो देखिए TB डे मतलब तपेदिक दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को मनाया जाता है, स्वस्थ मतलब हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सब याद रखना है सारी चीज़ें, TB डे 24 मार्च, एनवायरनमेंट डे 5 जून, स्वास्थ्य हेल्थ डे 7 अप्रैल और फॉरेस्ट डे 21 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन डैमेजेस द क्रॉप, मतलब अधिक सिंचाई फसल को नुकसान कैसे पहुंचाती है, हवा इंक्रीज एयर इन द सॉइल, डिक्रीजेज एयर इन द सॉइल, डिक्रीजेज मिनरल्स इन सॉइल, इंक्रीज मिनरल्स इन सॉइल। तो उसको हम लोगों को पहले समझना होगा कि देखिए होता क्या है। देखिए अगर मिट्टी में पानी जो है वो अधिक डाला जाएगा तो पानी उसमें जमा हो जाएगा, मतलब कि जल का
वाटर लॉगिंग, अगर उसमें क्या हो जाएगा, जल का भराव होने लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, मिट्टी में हवा जो है वो कम हो जाती है, मिट्टी में हवा कम हो जाती है, जिससे फसल नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा आंसर जो क्या है वो डिक्रीजेज एयर इन द सॉइल, मतलब मृदा में वायु की मात्रा घट जाने के कारण जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाते हैं, जो फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच वन इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब कि सॉइल इरोजन क्या, मृदा क्षरण की मुख्य कारण कौन नहीं है। तो इसमें क्या देखते हैं कि सॉइल इरोजन है क्या। ठीक है, तो सॉइल इरोजन देखिए, यहाँ पे देखिए, सॉइल इरोजन रेफर्स टू द वियरिंग अवे ऑफ फील्ड्स टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल प्रोसेस फोर्सेस ऑफ वाटर एंड विंड, मतलब कि ये देखिए, जो टॉप सॉइल, मतलब कि जैसे कि ये मिट्टी है तो मिट्टी में लेयर्स होता है, तो ये जो मिट्टी का अपर लेयर होता है ना, इसका जो है वो झड़ना, बह जाना पानी से या हवा में इधर उधर से डिस्प्लेस हो जाना, यही जो है वो सॉइल इरोजन है। तो सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या हो सकता है, तो वो क्या होगा, वन की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अतिचरण, बाढ़, मिट्टी फू मतलब फू सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी ख़राब हो जाना, ये सब कारणों से जो है वो सॉइल इरोजन होता है। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सॉइल इरोजन में कुछ नहीं हो तो वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक, चलिए समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट, थोड़ा ये सब पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कौन सा समझ करके आप लोग कुछ और कर दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ अ फंगी, मतलब कौन एक कवक है, इसमें से कवक मतलब फंगी है। तो देखिए यहाँ पे जो पसीनिया जो होता है वो एक फंगी, बस एक यही फंगी है, बाकी साइनोबैक्टीरिया, बैसिलस और सेलमोनेला जो है वो बैक्टीरिया है, वो एक जीवाणु है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और महामना की बग या BHU में आने का अपना सपना पूरा करें। BHU कंसेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इससे क्या सीख पाएँ। चलिए धन्यवाद।